नजायज माइनिंग नूं लैके विरोधी धिर दे निशाने ते आम आदमी पार्टी है। सुखपाल सिंह खैरा ने सरकार नूं वाइट पेपर जनतक करन दी मंग कर दित्ती है कि सबका कार्यकाल दे विच किन्ना मंत्रियों ने रेता खाया, किहड़े विधायकों के घर रेते नाल भरे, उन्हां दा ब्यौरा देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस नूं अपने इलाके विच माफिया रोकण दा चैलेंज कीता है कि भावें मेरा भरा ही क्यों ना होवे, जे जिम्मेवार है तां उस ते बनदा परचा दर्ज करो। सुखपाल खैरा दा वड्डा बयान है। सुखपाल खैरा वड्डा बयान दे के गए ने माइनिंग के मुद्दे ते। सिद्धू तो बाद खैरा ने सियासी घेरा पाया है। जिहड़ा 20,000 करोड़ रुपए की गल की गई है, यह कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं गा कि एक चीफ मिनिस्टर जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पर बैठा वा और एक मैंबर पार्लियामेंट उस वक्त भगवंत सिंह मान और प्रेजिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, ये उन्होंने उस वक्त पंजाब के लोगों का वायदा किया और हूँ वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन बैठ गए हैं भगवंत सिंह मान। सो दो चीफ मिनिस्टर्स अगर साढ़े देश को तो साढ़े सूबे को नहीं दसनगे कि 20,000 करोड़ रुपया कौन लुट रहा पिछले कुछ सालों तो मैं समझूंगा कि पंजाब के लोगों के नाल बहुत वड्डा धोखा होगा, बहुत वड्डी वायदे खिलाफी होगी। मैं मंग रहा कि पिछले घट्टो घट 10 सालों का एक वाइट पेपर जारी किया जाए, किहड़े लोग सी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बहुत कहते रहे, उन्होंने भी कोई डोजियर दिता अपनी पार्टी हाईकमांड को कि बहुत सारे 35-40 एक्स एम एल ए जिहड़े ने गैर कानूनी माइनिंग में इनवॉल्व है। उस तो पहला 10 साल अकालिया का राज सीगा, 2007 तो लैके 2017 च उदों कांग्रेस ऑपोजिशन रह के बहुत कहती रही कि ये बड़ा कपड़ा हो रहा, बहुत गैर कानूनी माइनिंग हो रही और माइनिंग अज भी हो। अगर मैं तो मंग कर रहा वहां कि 5 साल अकाली दल का भी राज लवो तो 5 साल मगरला कांग्रेस का भी राज लवो, 10 साल के राज में जिन्हों लोगों ने भी की इरिस्पेक्टिव, वो मेरा भावें सका भरा हो, भावें मेरा कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो, प्लीज डू नॉट स्पेयर दिम। एंड इफ खैरा इज इनवॉल्व इन एनी इलीगल माइनिंग प्लीज डू नॉट स्पेयर हिम। समतप्रीत सिंह मेरे सहयोगी इस खबर से ज्यादा जानकारी की सांझ पाउणगे। समत, वड्डी चुनौती है कि 20,000 करोड़ का ब्यौरा की 5 सालों के सरकार हुण देण जा रही है, जिस हिसाब नाल सुखपाल खैरा ने चैलेंज किया है। बिल्कुल कृष्ण, जेकर अज की कॉन्फ्रेंस की गल की जाए तो अज सीधे तौर पर सुखपाल खैरा ने 20,000 करोड़ का जिहड़ा गल है वह आखी है कि उसका जिहड़ा वेरवा दिता जाए भी आखिरकार लुट किसने मचाई हुई थी, चाहे 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है ते पिछले 10 साल उस तो जेकर गल देखी जाए तो अकाली दल की सरकार रही है, तो लगातार जेड़े 10 सालों के जिसने भी कहते लुट की है, जिसने भी नजायज माइनिंग की है तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए, चाहे वह मेरा सगा भरा ही क्यों ना हो। उन्हों का मनना यह है कि अभी पंजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई के जिसने भी करप्शन या जिसने भी माफिया चलाया तो उसके उत्ते जी बनती कार्रवाई है वह की जाए। तो उन्होंने एक मांग रखी है कि वाइट पेपर है जिहड़ा आम आदमी पार्टी वालों जल्द तो जल्द है जिहड़ा वह लेके आना चाहिए है, तो पता लग ही उन्होंने कहा कि पता लगे भी कौन कौन जिहड़े माफिया ने जिहड़ा वह चला रहे थे, माइनिंग माफिया कौन चला रहा, ड्रग माफिया कौन चला रहा था। इन्होंने सारे के उत्ते जी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह सुखपाल खैरा ने की है। बिल्कुल, हालांकि बहुत शुक्रिया। ते अपने ते ही निशाने ते कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल चुके ने कि समय सिर आगू विरोधी धिर ना बनाउणा एक नुकसान हो रहा है, जेकर पहला लीडर ऑफ ओपोजिशन होंदा तो राज सभा विच घट्टो घट्ट एक सीट पक्की सी। सो एक होके जिथे सुखपाल सिंह खैरा ने चलण की गल की उत्थे ही कहा कि इकट्ठे होकर राज्यसभा चुनाव नूं लैके रणनीति बनाई जा सकती सी जेकर पहला लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया होंदा। सो लीडर ऑफ ओपोजिशन नूं लैके सुखपाल खैरा ने वड्डे सवाल चुके ने, हालांकि खैरा खुद लीडर ऑफ ओपोजिशन सबका सरकारां च रहे ने, जिस वेले वो आम आदमी पार्टी सी पर आम आदमी पार्टी तो बाहर रह के पहला उन्होंने PPP बनाई, उस तो बाद PEP पंजाब एकता पार्टी के गठन तो बाद कांग्रेस के विच शामिल सुखपाल सिंह खैरा। मेरा ख्याल है कि पार्टी सीज्ड ऑफ द मैटर, ऑफकोर्स डिले हैगी है क्योंकि
जे आप कही कि महीने के लागे छागे हो जाना वा हो थोड़ी देर च तो इन्नी देर बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है देश का भी अगर साड़ा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंटैक्ट होंदा मैं लगता असं एक राज्यसभा की सीट खिंच सकते सी। सो बिकॉज कोई भी इंचार्ज नहीं सी, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की। साढ़े को 18 वोटा सगिया, मैं हम एग्जैक्ट मैथमैटिक्स तो नहीं पता, पर असं एक राज्यसभा का मैंबर जरूर बना सकते सी। तो आप मननी पेगी कि 100 खामिया हो सकदियां, बट ही इज़ अ ऑनेस्ट परसन। और ऑलसो आई वुड ऐड कि इस कैलिबर के किन्ने लीडर्स ने, इस कैलिबर के जोड़े लोग एजुकेटेड ने, जोड़ी गल अपनी अच्छी तरह कन्वे कर सकते, कई जुबाना में कन्वे कर सकते हैं, किन्ने लीडर्स ने। ठीक है, वह अनफॉर्चुनेट हो गया, पार्टी भी नहीं जीती, वो अपनी सीट भी हार गए। सो आई परसनली फील के ही इज़ अदरवाइज अ वैल मीनिंग परसन। खामिया तो हम मेरे बच्च भी हर एक तो तुसी सारे जिन्ने बैठे सब कोई ना कोई अवगुण हुंदा वा, बट ओवरऑल ही इज़ अ गुड लीडर। सो सुखपाल खैरा कह रहे ने कि पार्टी नूं नुकसान होर एक सीट असी खिंच सकते सी जेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहला नियुक्त की होंगे। समतप्रीत इस खबर से मुड़ साढ़े जुड़ चुके हैं। समत, खैरा क्यों लग रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नियुक्ति पहला होनी चाहती सी? पंजाब कांग्रेस सत्ता तो बाहर हुई है तो उस दो चीजों की बहुत खामियां रख करी, एक पार्टी प्रधानगी लेके तो दूजी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेके। जो विधानसभा सैशन चलिया थी तो उदों भी जिहड़ा एक सवाल है वह स्पीकर वालों किया गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, तो उस वक्त भी जिहड़ा एक सन्नाटा कांग्रेस के आपसी एमएलए छाया गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि हले तक कोई भी जिहड़ा कांग्रेस ने नहीं चुनेगा, तो कितने ना कितने यह चीज है जी बैक स्टैप से जरूर कांग्रेस में लेके जा रही है। इस चीज को लेकर सुखपाल खैरा ने अपनी चिंता जाहिर की है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जरूर है जिहड़ा जल्द तो जल्द बनाना चाहिए, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पार्टी प्रधान दोवें जिहड़े कांग्रेस को इस वक्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी दी सांझ पाने। सुखपाल खैरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अहुदे नूं लैके वड्डा बयान दे के गए है, जिन्होंने कहा कि लीडर ऑफ ओपोजिशन का अहुदा जेकर पहला दिता हुंदा, जेकर हुण भी दिता हुंदा, राज्यसभा की एक सीट असीं खिंच सकते सी। दरबार साहब दे विचों गुरबाणी के सीधे प्रसारण नूं लैके पंजाब दे विच वक्खरे वक्खरे प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना यूट्यूब चैनल बना रही है। सुखपाल खैरा कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर ने सरकार को इस मामले कोई दखल नहीं देना चाहिए। एस जी पी तो बाद सुखपाल सिंह खैरा ने पैरवाई उस बयान की की, जो एस जी पी के प्रधान मिस्टर धामी ने दिता, जिस विच धामी साहब कहते दिखाई दिते कि सरकार को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, पंथक मामलों दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो हुण कांग्रेस के लीडर सुखपाल खैरा कह रहे हैं कि सरकार को वाकई दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना यूट्यूब चैनल अपने पद्धर से बना रही। सो गुरबाणी के सीधे प्रसारण को लेकर एक निजी चैनल काफ़ी विवादों में है, जिस तो बाद जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने ताकीद की श्रोमणी कमेटी को कि श्रोमणी कमेटी अपने पद्धर से अपने बलबूते चैनल में बनावे ता जो गुरबाणी का सीधा प्रसारण 24 घंटे निर्विघन सिख संगतां तक पहुँच सके। हुण तक निजी चैनल दरबार साहब दे विचों ये प्रसारण करते रहे हैं, जिन्होंने वड्डी भूमिका निभाई। हालांकि किसी वेले जी वी इस प्रसारण के अहम भूमिका निभाता सी, पर उस तो बाद वख-वख अदारियां कोल ये प्रसारण के राइट्स आए। राइट्स नूं लैके भी वड्डा विवाद हुंदा आया कि एक विशेष चैनल नूं विशेष शह ते राइट्स दिते गए। देखो आई पर्सनली फील, हालांकि मेरी कोई एसजीपीसी दे प्रधान ना कोई बनती नहीं है, अकाली दल ना कोई सहमति नहीं, बट आई थिंक एसजीपीसी दी डोमेन दे विच सरकार दी इंटरफेरेंस कभी भी टॉलरेट नहीं हुई अज तक, नंबर एक। नंबर दो, एसजीपीसी नूं भी चाहिए वा कि ये गुरबाणी कोई किसी को एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं देने चाहिए। दैट आई एग्री दैट एस जी पी सी तो अपना चैनल बना सकती है, अपना चैनल बनावे यूट्यूब चैनल तो वह लखा करोड़ा रुपए कमाएंगे। उस तो यह गल मैं भगवंत मान की ठीक लगी दैट एस जी पी सी शुड स्टार्ट।